हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार, आप देख रहे हैं बेपी डिश यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ यही है कि ये वाली डिश है दोस्तों बदर से 70 डिग्री पर अभी डिश सेट है, और बदर से 70 डिग्री से आपको पाक सेट 38 डिग्री आपको कैसे सेट करे वो भी दोस्तों सी बैंड में। दो पैटर्न लेना पर आपको सी बैंड एलएम भी किस तरह से लगाना है और कौन सी टीवी पर आपको सेट करना है वो भी दोस्तों सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपके पास तीन चीज़ होना चाहिए। ये वाली एलएमबी आप देख सकते हो 12 के वाले एलएमबी, और एक कैलरिंग ये आप देख सकते हो। इस तरह से आपको कैलरिंग आपके पास होना चाहिए। आपको दो फेट एंटेना पर आपको रिसीव करना है, तो ये वाली कैलरिंग आपके पास है तो आप ज़्यादा सिग्नल आप रिसीव करके देख सकते हो। और इस तरह से एक कैलरिंग लगाने के इसलिए इस तरह से आपको कैलरिंग लगाना पड़ता है क्यूब एन एलएमबी में, और इस तरह से आपको सी एन एलएमबी में आपको सेट करना पड़ता है। और इस तरह से आपको सेट करके ये वाली डिश पर दोस्तों आप रिसीव करके देख सकते हो पाक सेट 38 डिग्री। और ये वाला कैलरिंग दोस्तों आपके पास होना चाहिए, तभी दोस्तों काफ़ी सिग्नल आपके पास रिसीव होगी। ये वाली कैलरिंग नहीं है तो आपके पास कम सिग्नल रिसीव होगा और कम आपको चैनल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके पास सेट तो हो जाएगा लेकिन आपको कम चैनल आपको देखने को मिलेंगे। ये वाली कैलरिंग लगाना ज़रूरी है दो पेटेंट लेना पर। अब हम करते हैं दोस्तों, ये वाले एलएमबी निकाल लेते हैं और सी बैंड एलएमबी दोस्तों इसमें लगा देते हैं। फिर मैं आपको इसका सिग्नल भी मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ और कौन से टीपी पर पहले सबसे पहले आपको सेट करना है वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले एलएमबी है दोस्तों यहाँ से निकाल देते हैं। ये वाले क्यूब बैंड के एलएमबी है, यहाँ मैं निकाल देता हूँ और सी बैंड एलएमबी आपको लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से आपको लगाना है। और यहाँ दोस्तों थोड़ा इस तरह से निकाल लेते हैं केबल वगैरह दोस्तों मैं यहां से कनेक्ट कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों सेटर बॉक्स में कौन सी टीपी आपको ऐड करना है वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाले कैलरिंग दोस्तों मैंने लगा दिया है। अब आपको सेटर बॉक्स में दोस्तों इसको सेटिंग करते हैं। और एलएमबी दोस्तों मैंने लगा दी है सी बैंड एलएमबी आप देख सकते हो। और अभी दोस्तों करते हैं सेटर बॉक्स में सेटिंग, कौन सी टीपी पर सबसे पहले आपको सेटिंग करना है। ये इसकी टीपी आप देख सकते हो, सबसे आसान टीपी है, आप टीपी भी नोट कर सकते हो। ये वाली टीपी आप देख सकते हो, पाक सेट 38 डिग्री की दो फेट एंटेना पर रिसीव करना चाहते हो तो ये वाली टीपी सबसे आसान टीपी है पाक सेट 38 डिग्री की। और एलएमबी पोजीशन दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ, एलएमबी पोजीशन आपको सेम रखना है जैसे एबीएस में रहती, इस तरह से आपको इसकी एलएमबी पोजीशन रहेगी, ठीक है इस तरह से। अब इसको करते हैं सेटिंग, और ये आप देख सकते हो ये वाली टीपी पर सिग्नल रिसीव करना है, सबसे आसान टीपी है। और यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे आपको करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आप सिग्नल भी आप देख सकते हो, सिग्नल भी हमारा सामने शो हो रहा है और सिग्नल हमें मिल चुका है 71 सिग्नल, ये आप देख सकते हो 71। और सिग्नल थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं एलएमबी थोड़ा चेंज करके, और 70 सिग्नल थोड़ा कम हो रहा है। और इसको ऊपर नीचे आपको करके देखते हैं कितना सिग्नल रिसीव होता है, देखते हैं। और 71 सिग्नल तभी सिग्नल हो जाता है, 74 77। और ये इसकी टीपी आप देख सकते हो। और अभी इसको कर देते हैं स्कैन, और पहले वाली टीपी में डिलीट कर देता हूँ पुरानी वाली, क्योंकि दोस्तों आपको न्यू स्कैन करके दिखाता हूँ कि आज के डेट में कितने सिग्नल दोस्तों रिसीव होते हैं पाक सेट 38 डिग्री पर। और इसको स्कैन होने देते हैं, तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। ये आप सेटिंग भी देख सकते हो, ये वाली डिश है दोस्तों अभी पाक से 38 डिग्री पर अभी डिश सेट है। सामने वाली डिश है 88 वीडियो कॉन पर अभी सेट है, और ये वाली सेट की है मैंने पाक से 38 डिग्री पर। और ये हमारा स्कैन होने देते हैं, अभी तक मैं सिर्फ एक ही टीपी दोस्तों अभी तक रिसीव हो रही, 100% स्कैन होने देते हैं, फिर देखते हैं कितने से दोस्तों रिसीव होती है। और ये आप देख सकते हो फास्ट पोस्ट एचडी, ये भी दोस्तों इसमें रिसीव हो रही है दो फेट एंटेना पर। पहले दोस्तों ये वाली चैनल रिसीव नहीं होती क्योंकि दोस्तों ये न्यू चैनल है, इसलिए दोस्तों रिसीव हो रही है। और ये इसकी टीपी आप देख सकते हो, सबसे आसान टीपी है फास्ट पोस्ट एचडी, ये आपको इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, न्यू चैनल है पाक से 38 डिग्री पर इसमें एड हुआ है। और पीटीसी की पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा दो फेट एंटेना पर भी आप रिसीव करके देख सकते हो। मेरा पिछले वीडियो भी आप देख सकते हो, तभी दोस्तों मैंने आपको रिसीव करके दिखाया था
PTC होल्ड कर किसी चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा पैकेज आपको ये देखने को मिल जाएगा, दो फीट एंटेना पर आप रिसीव करके देख सकते हो। मुझे लग रहा है थोड़ा दोस्तों आज कम सिग्नल रिसीव हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी तो गर्मी से वजह से थोड़ा कम सिग्नल सभी सेटेलाइट में होते रहते हैं। और ये हमारा स्कैनिंग 100% दोस्तों हो चुका है, सिर्फ 8 चैनल दोस्तों मुझे मिल चुके हैं, 8। ये आप देख सकते हो, इसको कर देते हैं सेव। और सिर्फ 3 TP दोस्तों मेरे पास रिसीव हो रही थी, सिर्फ 3 TP। पहले दोस्तों मेरे पास काफ़ी TP रिसीव होती थी, 10-12 TP दोस्तों रिसीव होती थी। लेकिन आज दो दिन पहले दोस्तों मैंने चेक किया था, तभी दोस्तों मुझे 12 TP रिसीव हो रही थी, लेकिन दोस्तों आज से बाद 3 TP दोस्तों मेरे पास रिसीव हो रही। और सबसे पहले दोस्तों सेटेलाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, जितना चैनल है इतनी चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये वाले चैनल आपको बिल्कुल प्रीटर आपको देखने को मिल जाएगा, और फास्ट पोस्ट स्पोर्ट के चैनल आपको देख सकते हो, और PTC होम के चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, PTC न्यूज़ HD ये भी दोस्तों इसमें चल रही है, और PTV स्पोर्ट HD ये भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, आपको पता है। और PTC वर्ल्ड के चैनल आपको देख सकते हो, और PTC HD ये भी दोस्तों आपको देख सके हो। और पूरा पैकेज दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, दो फीट एंटेना पर आप रिसीव करके देख सकते हो। और 8 चैनल दोस्तों मुझे रिसीव हो रही है, और ये रीड इसकी पोजीशन और केबल वगैरह भी मैं आपको थोड़ा सा आपको चेक करा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। और ये थी आज की डिश सेटिंग, और ये थी आज की अपडेट। अपडेट आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। मिलते दोस्तों नए वीडियो के साथ।